नमस्कार। आला मंडल के चोटी से आज चौथी किस्त। इस बार नवीन भाई फिर हमारे साथ हैं। पहले टूर में मेरे साथ नवीन भाई, मैं और प्रवीण सावंत जी साथ में आए थे, लेकिन उसके दो हफ्ते पहले से ही नवीन भाई लगातार यहाँ पर आला मंडल की चोटी पर पहुँचते आए हैं। बीच में स्वास्थ्य लाभ लेने के कारण दो हफ्ते की गैप हो गई, लेकिन आज फिर उसी तंदुरुस्ती के साथ एक बार फिर आला मंडल की चोटी से। स्वास्थ्य कैसा है नवीन भाई? अब मैं ठीक हूँ हेमंत भैया, और फीवर आ गया था, वायरल इस बार जो चल रहा है, मैं लोगों को कहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है सतर्क रहें। बहुत काफ़ी ख़राब वायरस है और पूरा शरीर जो है एकदम कमजोरी दे रहा है, तो इसलिए दो हफ्ते में आ नहीं पाया हूँ, लेकिन आज फिर आया हूँ और स्टेमिना पहले से थोड़ा सा कम है, लेकिन अब नेक्स्ट बार से मैं जो है पूरा कवर कर लूँगा फिर से। नवीन भाई, आपका स्टेमिना वैसे भी कम नहीं है, एक दो हफ्ते में आप एक बार फिर वही उच्च चुस्ती फुर्ती से लगातार आला मंडल की इस चोटी पर सबसे पहले चढ़ने वाले लोगों में से एक होंगे, लेकिन अभी वायरल जिस तरह से फैला है, डेंगू है, कोरोना की तीसरी लहर की आहट है, स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक रहने की आवश्यकता है इंदौर के लोगों को? नहीं, लोगों को बहुत ज़रूरत है, और ये वायरल जो है वो जैसे मुझे भी हुआ था, तो ऑफिस में जो है कोई एक साथी हमारा लेके आया था, उसके बाद जो है फिर मुझे हुआ, मुझसे फिर लोगों को फैला, तो घर में फिर मेरे घर वाले भी प्रभावित हुए, तो काफ़ी सतर्क है और होने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आप वायरल की चपेट में, तो तत्काल दवाइयाँ लें और थोड़ा घर वालों से दूरी बना लें। इंदौर में डेंगू लगातार बढ़ रहा है, 122 मरीज हो चुके हैं, एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, और लगातार कई इलाकों में डेंगू के मरीज और लार्वा मिलने की घटनाएं सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग आगाह भी कर रहा है, कितना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है भैया, और जो है डेंगू को लेकर सतर्कता बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है, एकदम से जो है प्लेटलेट्स कम होते हैं, मरीज को समझने का मौका कम मिलता है, तो इसलिए हम लोगों को सतर्क जो तो है, साथ में जो है घर के आसपास जो मच्छर है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन अपन को भी जो है, चूँकि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई रखना चाहिए घर के आसपास, मच्छर ना आए डेंगू के। पिछले सप्ताह की तरह आज भी डॉक्टर मालाकार, डॉक्टर अनिल डोंगरे और डॉक्टर माधव हसानी भी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल वे ऊपर चढ़ रहे थे, थोड़ा स्लो आ रहे थे, हालांकि डॉक्टर अनिल डोंगरे पहले एक राउंड मार के दोबारा नीचे गए हैं मालाकार जी को लेने के लिए। प्रवीण सावंत हमेशा की तरह चुस्ती फुर्ती से रनिंग के लिए अभी भी बरकरार हैं। आपको मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल आए नहीं हैं वो, लेकिन प्रवीण सावंत की फिटनेस भी देखते ही बनता है, वे शनिवार को जिम करते हैं और रविवार की सुबह यहाँ आला मंडल पर सबसे पहले दौड़ते हुए चढ़ने वाले लोगों में से एक होते हैं। देखिए, इस बार आज पिछली बार की तरह संख्या ज़रूर कम है, लेकिन फोटोग्राफी और जो मौसम का आनंद है वो यहाँ देखते ही बनता है। आप देखिए, कई जगह पर धूप नज़र आ रही है, तो कहीं बादल छाए हुए हैं। माधव हसानी जी भी आ रहे हैं, देखिए आप धीरे 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 धीरे। सर, हाथ उठा दो एक बार। ये देखिए, प्रवीण सावंत भी दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइव में थक गए हैं। प्रवीण सावंत जी के ऊपर आने के बाद एक बार फिर हम आपके साथ लाइव पर मौजूद रहेंगे, तब तक के हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।